जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज जम्मू के अंदर जो है एक बड़ा लीगली एक्शन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लिया गया है और ये कार्रवाई रोहिंग्यास पर देखने को मिली है और इस मामले में संबंधित गिरफ्तारियां भी देखने को मिली हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस बड़ी कार्रवाई को, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और आपके कार्यकाल में? देखिए, ये हमारी सरकार से पहले की बात है। यहाँ पर हमारी सरकार ने इस पर एक क्वेश्चन के दौरान जब मैं स्पीकर था तो इनकी संख्या बताने को कहा था, तो उसको बताई थी, उसको रजिस्टर्ड किया गया था। तो ये पुरानी सरकारों ने और विशेष करके बहुत से लोग ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इन्वॉल्व हैं, बड़ी अच्छी कार्रवाई जो हुई है और कई लोगों ने, कई नेताओं ने जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने इनके डोमिसाइल्स, इनका आधार कार्ड, इनके राशन कार्ड बनाने का काम किया है। जाँच होनी चाहिए और एक साजिश के तहत ये कितनी स्टेट्स पार करके, म्यांमार से लेकर के बांग्लादेश लांघते हुए ये कैसे पहुँचे, ये एक मिली जुली है। और जब इन पर बात होती तो कश्मीर की पार्टियां या कुछ इस प्रकार के लोग उसका धर्म की आड़ में लेकर के उन पर कार्रवाई ना करने की मांग करते थे। अच्छा कदम, सराहनीय कदम, और मुझे लगता है बहुत सी जाँच जो एंटी नेशनल गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं, इलीगल गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो अब इनके जो लोग इनके पीछे स्टैंड रखते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये आपने भी जिक्र किया कि इलीगल एक्टिविटीज़ में ये पाए गए हैं और भारत सरकार द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था कि इन्हें डिपोर्ट करने के लिए, और अभी भी कठुआ में कुछ डिटेंशन सेंटर्स में इन्हें रखा गया है कठुआ के अंदर, ये अब कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए बन चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ये भी कहा जाता था कि डिस्टर्ब स्टेट है, अब शांतिपूर्वक माहौल है, उसके बाद ये लोग यहाँ पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी। देखिए, ये एकता और अखंडता के लिए खतरा है, बॉर्डर स्टेट है। एक बार मैंने जब सुनुआ में हमला हुआ था उस पर मैं स्पीकर था, तब मैंने बोला था, तो बहुत बड़ा विपक्षियों ने हंगामा किया था। उनकी मंशा क्या थी, वो उनकी सपोर्ट करते थे। आज ही मैं उस चीज़ पर कायम हूँ कि इन लोगों की जो इस प्रकार की सुनुआ अटैक या दूसरी चीज़ें होती, कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट रहती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इस वक्त फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।